जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ करेक्शन फॉर द सीएसएस एंड पीएमएस। सो रूल नंबर वन है कि जब दो नाउन्स को ज्वाइन किया जाता है इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, जब कोई भी दो नाउन्स इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के ज़रिए ज्वाइन किए जाते हैं तो वर्ब हमेशा दूसरे नाउन के मुताबिक आता है। अगर दूसरा नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर दूसरा नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल नीदर अक्रम नॉर असलम वॉज प्रेजेंट, सो वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन। यहाँ पे जो सेकेंड नाउन है वो असलम है और असलम सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से जो यहाँ पे हम वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सिंगुलर है और हम वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने नॉट ओनली टीचर्स प्लूरल है लेकिन जो दूसरा नाउन है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के मुताबिक हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वो होगा वॉज। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और नीदर नॉर के जरिए जब भी दो नाउन्स को जोड़ा जाए जो वर्ब होगा वो दूसरे नाउन के मुताबिक इस्तेमाल होगा। अगर दूसरा नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर दूसरा नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। पहले नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। वर्ब हमेशा दूसरे नाउन के मुताबिक इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टू रूल नंबर टू। जब दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ा जाता है, ठीक है, जब दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ा जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं। When two nouns are joined by and, they act as collective nouns. ठीक है, उस कलेक्टिव नाउन की वजह से हम फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उस के आगे। ठीक है, जब दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए तो वो कलेक्टिव नाउन के तौर पर एक्ट करेंगे और फिर हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल वहाँ पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अक्रम एंड असलम हैव अराइव्ड। सो अक्रम एंड असलम ये दो नाउन्स हैं, एक अक्रम और एक असलम, ये दोनों नाउन्स एंड के जरिए जोड़े गए हैं। तो जब दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ दिया जाए तो वो दोनों नाउन्स कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं और उन कलेक्टिव नाउन्स की वजह से फिर हम जो है यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। सो जब दो नाउन्स एंड के जरिए जोड़े जाएँ तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाएंगे और वी विल हैव टू यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक हो गया, लेकिन अगर दो नाउन्स आर ज्वाइंट बाय एंड, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है इस रूल के अंदर। अगर दो नाउन्स को एंड के जरिए जोड़ा जाता है लेकिन वो दोनों नाउन्स एक ही शख्स को या एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब वहां पे प्लूरल का वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, व्हेन द टू नाउन्स आर ज्वाइंट बाय एंड बट दे रिप्रेजेंट सिंगल पर्सन, इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द सिंगल पर्सन एंड द टू नाउन्स आर ज्वाइंट बाय एंड और वो सिंगल पर्सन को शो कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल द ओरेटर एंड एडवाइजर हैज अराइव्ड, ये ओरेटर और एडवाइजर एक ही बंदे को शो कर रहे हैं, यानी कि जो बंदा ओरेटर है वही बंदा एडवाइजर है। तो ओरेटर एंड एडवाइजर एक ही बंदे को शो कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ये एक बंदे के तौर पे लिया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हैज, सिंगुलर वर्ब का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन अगर ये दोनों नाउन्स दो एंटिटीज को शो करते हैं तो फिर प्लूरल वर्ब होगा। देखें गौर से अंडरस्टैंड करें, द ओरेटर एंड एडवाइजर ये एक एंटिटी को शो कर रहा है इसलिए यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर दोनों के साथ द लगा दिया जाए तो ये फिर दो एंटिटीज हो जाएंगी। द ओरेटर एंड द एडवाइजर हैव अराइव्ड, यानी कि एक ओरेटर है और एक एडवाइजर है, वो दोनों अराइव कर चुके हैं। सो यहाँ पे प्लूरल का यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा।
जबकि यहाँ पे ये ओरेटर एंड एडवाइजर ये एक ही बंदे को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हैज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो अगर दो नाउन्स एक एंटिटी को शो कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अगर दो नाउन्स दो एंटिटीज को शो कर रहे हो, द ओरेटर अलग है, यानी कि एक ओरेटर और एक एडवाइजर दो बंदे हैं, तो हैव अराइव्ड, एक ही ओरेटर है और वही एडवाइजर है तो हैज अराइव्ड, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल नंबर 3। एनी जो होता है ये दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इधर इस्तेमाल होता है जब दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा हो। जब दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा होगा, एनी विल बी यूज्ड, ठीक है। एंड जब दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा होगा, इधर विल बी यूज्ड। एग्जाम्पल से देखें, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ द 5 ब्रदर्स। अब दो से ज्यादा है, जब कंपैरिजन दो से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान हो रहा है तो एनी काम इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन इधर ऑफ 2 ब्रदर्स। जहां पे कंपैरिजन दो के दरमियान हो रहा है वहां पे हम इधर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो व्हेन द कंपैरिजन इज बीइंग ड्रॉन बिटवीन मोर देन 2 पीपल और एंटिटीज, द वर्ड एनी विल बी यूज्ड। एंड व्हेन द कंपैरिजन इज बीइंग ड्रॉन बिटवीन द 2 एंटिटीज, देन द वर्ड इधर विल बी यूज्ड। ठीक हो गया। सो लेट्स मूव टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि इधर ईच अदर जो है वो दो के लिए इस्तेमाल होता है और वन अनदर 3 के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब दो एंटिटीज को काउंट किया जा रहा होगा तो ईच अदर इस्तेमाल होगा, जब मोर देन 2, 3, 4, 5 जितनी भी एंटिटीज हैं उनके लिए वन एन अदर का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से चीज आपको अंडरस्टैंड होगी, 2 रेसलर्स मेट ईच अदर। अब दो रेसलर्स हैं वो एक दूसरे से मिले, बिकॉज 2 है तो यहाँ पे ईच अदर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। 3 रेसलर्स मेट वन एन अदर, 3 हैं इसलिए वन एन अदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो वन एन अदर विल बी यूज फॉर मोर देन 2, 3 हैं तो वन एन अदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 रेसलर्स मेट ईच अदर, तो 2 के लिए ईच अदर का इस्तेमाल होगा और मोर देन 2 के लिए वन एन अदर का इस्तेमाल होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल नंबर 5, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं लाइक हु एंड दैट, रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड दैट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन बिफोर इट, ठीक है। यानी कि जो हु और दैट के बाद जो वर्ब है, हु और दैट के बाद का जो वर्ब है, हु और दैट से पहले के नाउन के मुताबिक होगा। अगर हु और दैट से पहले नाउन सिंगुलर है तो हु और दैट के बाद वर्ब सिंगुलर होगा, अदरवाइज प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, ही इज द वन हु हैज, ठीक है। ही इज द वन हु हैज डन दिस वर्क। अब ये हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से पहले ही सिंगुलर है, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है। सो हु से पहले सिंगुलर नाउन है ही, तो उसके मुताबिक जो वर्ब आ रहा है वो भी सिंगुलर है। लेकिन अगर हु से पहले प्लूरल वर्ब आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इट इज दे हु हैव डन दिस वर्क। सो यहाँ हु से पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, तो हु के बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल आ रहा है, ठीक हो गया। लेट्स ट्राई टू मूव फर्दर। रिलेटिव प्रोनाउन जो है, यानी कि वो प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ रिलेट कर रहा हो, वो नाउन हमेशा अपने एंसीडेंट के फौरन बाद आएगा। यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जिस चीज को वो रिलेट कर रहा है वो फौरन उस एंटीसीडेंट के फौरन बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिसन टू कदाफी स्पीचेस, हु कंसीडर्ड हिम द बेस्ट। ये रॉन्ग सेंटेंस है,
आई लिसन्ड टू द स्पीचेस ऑफ कदाफी हु कंसीडर्ड हिम द बेस्ट. ये राइट है. ये जो वर्ड हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये प्रोनाउन को रिलेट कर रहा होता है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा होता है. और यहाँ जो प्रोनाउन है वो है कदाफी. सो ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन के नाउन के बारे में बता रहा है ये फौरन उसी के बाद आएगा. सो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कदाफी के बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है. सो इसलिए ये इस नाउन के फौरन बाद आएगा, कदाफी के फौरन बाद आएगा. सो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के बारे में बता रहा होता है वो उस नाउन के फौरन बाद लिखा जाता है, तो सेंटेंस आपका ठीक कंसीडर होता है. सो टेक्निकली तौर पे इस राइट सेंटेंस क्या होगा कि आई हैव लिसन टू द स्पीचेज ऑफ कदाफी हु कंसीडर्ड हिम द बेस्ट. अब ये हु जो है कदाफी के फौरन बाद आएगा. ठीक हो गया. सो वी विल डेली ट्राई टू कवर द फाइव रूल्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर द सीएसएस एंड पीएमएस स्टूडेंट्स. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.